आखिर क्या है भगवान शिव के नटराज रूप के पीछे छुपा हुआ रहस्य, आज के इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आग गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। भगवान शिव के अनेकों स्वरूप हैं, जिसमें से एक नटराज स्वरूप भी है। कहते हैं महादेव की ये अनगिनत अवस्था है। माना जाता है कि शिव का ये स्वरूप का अपना एक खास धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य है। आइए जानते हैं कि आखिर शिव जी के इस नटराज रूप का रहस्य क्या है, क्यों वैज्ञानिक इसके पीछे पड़े हुए हैं। सनातन धर्म के त्रिदेवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माने जाने वाले भगवान शिव के विविध स्वरूप और उनकी लीलाएं हमेशा से जिज्ञासा का विषय रही हैं। कहते हैं कि शिव के नटराज स्वरूप की उत्पत्ति की धारणा आनंदमय तांडव से जुड़ी हुई है। भगवान के इस विषय के रूप का अर्थ जितना व्यापक है उतना ही ग्रहण करने वाला। इस चराचर जगत की सृजना और विनाश के निर्देशक की भूमिका नटराज ही है। भगवान शिव के नटराज स्वरूप की उत्पत्ति से जुड़ी दो धारणाएं हैं। पहली धारणा के अनुसार दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य में 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इसका विकास हुआ था। दूसरी धारणा है कि शिव जी के इस रूप का विकास पल्लव साम्राज्य के तहत 7वीं शताब्दी में हुआ था। इससे जुड़े हुए कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं है, केवल चिदम्बरम में स्थित नटराज की भव्य मूर्ति ही इसका उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण योग सूत्र के प्रेरणत पतंजलि ने करवाया था और योगेश्वर शिव के रूप में इस मूर्ति को निररूपी करते हुए पतंजलि ने भी इसे बनवाया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नटराज के स्वरूप में शामिल प्रतीक चिन्हों का भी अपना एक खास महत्व है। तांडव स्वरूप में नटराज एक बौने राक्षस के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर बौने राक्षस को अज्ञानता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है और मगन होके शिव जी का उसके ऊपर नाचना यह दर्शाता है कि अज्ञानता के ऊपर विजय शिव जी ने पाली है। शिव की इस मुद्रा को आनंदमय तांडवम के रूप में भी माना जाता है। इस तरह से नटराज के ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि है, जो ये दर्शाती है कि भगवान शिव पृथ्वी का विनाश करके पुनः ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का आमंत्रण दे रहे हैं। इस तरह महादेव का दूसरा हाथ उनके उठे हुए पैरों की तरफ संकेत करता है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता से है। भगवान शिव अपने इस स्वरूप के द्वारा स्वतंत्रता का उद्देश्य करते हैं। वहीं नटराज की लय बुद्ध नृत्य स्थिति स्वयं ब्रह्मांड की लयबद्धता को अघोष करती है। इस स्थिति के द्वारा नटराज संसार को यह संदेश देते हैं कि बिना गति के जीवन संभव नहीं और जीवन के लिए लयबद्धता का होना जरूरी है। आनंदम तांडवम की अवस्था समस्त ब्रह्मांड के आनंदित होकर नृत्य करने की अवस्था है। अज्ञानता और अहंकार का विनाश होकर पंच महाभूतों सहित समस्त जैव अजैव का एकीकरण होता है। तो दोस्तों, अब तो आपने समझ ही लिया होगा कि आखिर क्या है भगवान शिव के नटराज रूप का रहस्य। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।